हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं FAO, जिसे बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका आदर्श वाक्य है सबको रोटी मिले। ठीक, यह यूएन की एक विशेषीकृत संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। सदस्य देश हैं 194 इसमें। ठीक है, आपको याद है, यहाँ रखिएगा कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और अभी 2019 में इसके डीजी हैं जॉस ग्रेजियनो सेल्वा। ठीक है, आपको बता दें, इसके खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO के उद्देश्यों में शामिल है सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी की पहुंच उपलब्ध कराना, ग्रामीण गरीबी को कम करना, कृषि मत्स्य एवं वनों को अधिक उत्पादक एवं सतत बनाना, खतरों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन प्रोजेक्ट देख लेते हैं, तो कोडेक्ट एलिमेंट्रियस लेटिन शब्द है, यह खाद्य कोड है। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक माना जाता है। यह मानक प्रक्रिया दिशा निर्देश एवं अन्य सिफारिश करता है। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करता है ये FAO। ठीक, खाद्य एवं कृषि संगठन एक इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन भी 1952 हुआ था, समझौता। इसमें दुनिया भर के पौधों की कीटों से सुरक्षा के लिए यह समझौता किया गया था FAO द्वारा। ठीक, तो ये था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक।